नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल पर थोड़ी घर के साथ आपके सामने मौत जहां पर चलेंगे। सबसे पहले बड़ी अपडेट आपको बताएंगे दोस्तों, पश्चिम बंगाल के अंदर राहुल गांधी के प्रचंड जन सैलाब के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के नेता बुरी तरीके से भड़क गए हैं। बताएंगे राहुल गांधी को लेकर अभद्र भाषा करते ही तुरंत FIR ममता बनर्जी ने दर्ज करा दी है। इसी के साथ में चलेंगे और भी बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्य में एक बार फिर से हिजाब का मुद्दा बनाया जा रहा है। दोस्तों बताएंगे बीजेपी के नेता पर गंभीर आरोप लगे हैं। इसी के साथ में क्या भारतीय जनता पार्टी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेकर आने वाली है। CAA को लेकर बीजेपी के केंद्रीय मंत्री के ऐलान के बाद ममता बनर्जी ने जबरदस्त तरीके से प्रतिक्रिया दी। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग की पोल खोलते हुए हजारों की संख्या में लोगों को मैदान में उतारते हुए जबरदस्त तरीके का विरोध किया है। बताएंगे क्या है पूरा मामला और तमिलनाडु की सरकार ने बीजेपी के नेत्री और देश के वित्त मंत्री को तगड़ा झटका दिया है। दोस्तों एक एक करके चलेंगे, सभी बड़ी अपडेट के सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि इंडिया गठबंधन के पक्ष में देश भर के अंदर जबरदस्त माहौल है और जनता परिवर्तन चाहती है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता और भारतीय जनता पार्टी के विधायक शुभेंदु अधिकारी को कांग्रेस पार्टी की जबरदस्त यात्रा पच नहीं पाई। यही बड़ा कारण है कि जब राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल में लाखों की भीड़ उतारकर इंडिया गठबंधन की ताकत दिखाई, तो बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने राहुल गांधी को लेकर अभद्र टिप्पणी की है। दोस्तों राहुल गांधी को लेकर मीडिया में की गई अभद्र टिप्पणी के मामले पर पुलिस से शिकायत दर्ज कराई गई है और ममता सरकार की पुलिस की ओर से FIR दर्ज कर लिया गया है। अब भाजपा नेता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की कोशिश की जा रही है। बंगाल कांग्रेस के सचिव सुमन राय चौधरी और पार्टी के राज्य इकाई के प्रवक्ता अभिषेक बनर्जी ने रायगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। FIR में मामला कन्वर्ट हो चुका है। TMC ने भी शुभेंदु अधिकारी पर निशाना साधते हुए कहा कि राजनीति में ऐसी असभ्य और बुरी संस्कृति बंद होनी चाहिए, इस तरह के आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। यानी TMC ने भी राहुल गांधी के खिलाफ की गई टिप्पणी का पुरजोर तरीके से विरोध किया है। अब उम्मीद की जा रही है कि पश्चिम बंगाल की पुलिस जबरदस्त कार्रवाई करेगी और भाजपा के नेता को असली हकीकत दिखाएगी और अभद्र टिप्पणी करने के मामले पर जोरदार कार्रवाई की जाएगी। साथ साथ दोस्तों हिजाब का एक बार फिर से मुद्दा बनाया जा रहा है। राजस्थान को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है। 3 वीडियो शेयर करते हुए अशरफ हुसैन की ओर से दावा किया गया कि राजस्थान के अंदर हिजाब का मामला गरमाया जा रहा है। राजस्थान के जयपुर के हवा महल से बीजेपी के विधायक बाल मुकुंदाचार्य पर मुस्लिम छात्राओं ने धार्मिक नारे लगवाने और हिजाब पर अमर्यादित टिप्पणी करने का आरोप लगाया है, जिसे लेकर मुस्लिम छात्राओं का एहतियात देखने को मिला है। दोस्तों कुल मिलाकर वीडियो शेयर करते हुए बताया गया है कि भाजपा के नेता ने फिर से मर्यादाएं पार करते हुए अमर्यादित टिप्पणी की है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने देश में 7 दिनों के अंदर नागरिक संशोधन अधिनियम यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू करने का दावा किया है। उन्होंने दक्षिण 24 परगना के काक द्वीप के अंदर एक सार्वजनिक बैठक में भाषण के दौरान इसकी घोषणा की है। उन्होंने लिखित में CAA को लागू करने की गारंटी दी है। शांतनु ने जो दावा किया है, इसके बाद पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी TMC और कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। भारतीय जनता पार्टी के बंगाल के नेता के द्वारा की गई टिप्पणी पर पश्चिम बंगाल के मंत्री और TMC के प्रवक्ता डॉक्टर शासी पांजा ने CAA को लेकर बीजेपी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि हमेशा की तरह बीजेपी अपने पुरानी हरकतों पर लौट रही है। उन्होंने कहा कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बंगाल में लागू होगा, वो खुद यह कहते हुए आत्मविश्वास की कमी से जूझ रहे हैं। हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि लोगों की नागरिकता बीजेपी के लिए चुनाव का मुद्दा है। बंगाल के लोगों को दोबारा नागरिकता नहीं दी जा सकती, वो पहले से ही देश के नागरिक है। TMC के नेता ने आगे कहा कि ये लोग बंगाल में हैं, उन्हें आश्वस्त करना चाहिए कि उन्हें बंगाल में अलग अलग योजना का लाभ मिलता रहेगा। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के लोग सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेकर आने वाले हैं, इसमें कोई दोराई नहीं है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए इसे उनकी सरकार का राजनीतिक हंगामा बताया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार पहले ही बंगाल में शरणार्थियों को नागरिकता दे चुकी है। कूच बिहार जिले के अंदर आयोजित एक प्रशासनिक बैठक के दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि शरणार्थी शिविरों के निवासियों को नागरिक माना जाता है और वे सभी सरकारी लाभ प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी CAA चिल्ला रही है, ये राजनीति है। हमने सभी को नागरिकता दी है, उन्हें राशन मिलता है, वे स्कूल जाते हैं, छात्रवृत्ति मिलता है, शिक्षा श्री मिलता है और हर योजना मिलती है, ठीक इसीलिए क्योंकि वे नागरिक हैं। उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले कुछ बिहार के लोगों को BSF से पहचान पत्र स्वीकार नहीं करने की चेतावनी देते हुए आरोप लगाया है कि इससे वे NRC के दायरे में आ सकते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों इस मामले पर जोरदार तरीके की राजनीति बंगाल में देखने को मिलेगी, इसमें कोई दोराय नहीं है। देखते हैं भाजपा सरकार क्या सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाने को लेकर कोई तैयारी कर रही है। सांसद अखिलेश यादव ने उन्नाव के अंदर बीजेपी के भ्रष्टाचार की पोल खोलने का दावा करते हुए वीडियो शेयर किया है। इसमें दिख रहा है कि एक रोड को आसानी से तोड़ा जा सकता है, केवल कुछ सेंटीमीटर के थिकनेस वाला ये रोड है, यानी पूरी तरीके से भ्रष्टाचार नजर आ रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि उन्नाव में भाजपा ही भ्रष्टाचार की उधरती परते इसकी जांच होगी या मिल बांट कर ये मामला भी बीजेपी सरकार रफा दफा कर देगी, यानी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप अखिलेश यादव ने लगाए हैं। सांसद दोस्तों 15 राज्यों में 56 राज्यसभा की सीटों के लिए चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग ने कर दी है। चुनाव आयोग ने 27 फरवरी को 56 सीटों पर चुनाव कराने का ऐलान किया है, जिसमें 10 UP की सीट है, महाराष्ट्र बिहार की 6-6 सीटें हैं, मध्य प्रदेश पश्चिम बंगाल की 5-5 सीटों पर मतदान होंगे, कर्नाटक और गुजरात के 4-4 सीटों पर चुनाव होंगे, तेलंगाना राजस्थान और उड़ीसा के 3-3 सीटों पर चुनाव होंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ उत्तराखंड हरियाणा हिमाचल प्रदेश में 1-1 सीट पर चुनाव कराए जाने वाले हैं। देखते हैं इन ज्यादातर सीटों पर कौन चुनाव जीत कर आता है। साथ साथ छत्तीसगढ़ में सरकार बदलने के साथ ही योजनाओं के नाम बदलने से लेकर अफसरों के तबादले की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। छत्तीसगढ़ के अंदर राशन कार्ड बदलने की प्रक्रिया शुरू की गई है। दोस्तों
बीजेपी सरकार अब भगवा रंग में राशन कार्ड को रंगने जा रही है। इसके लिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तस्वीर को हटाकर अब सीएम विष्णुदेव साय और खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल की फोटो लगाई जाएगी। पिछली कांग्रेस सरकार ने भी मुख्यमंत्री के साथ खाद्य मंत्री की तस्वीर प्रिंट कराई थी। करीब 77 लाख राशन कार्ड बदलने में भूपेश बघेल सरकार ने 2019 के अंदर 8 से 10 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इस बार बीजेपी की सरकार इतना ही खर्च कर रही है। हालांकि भूपेश बघेल सरकार ने जब खर्च किया था तो बीजेपी के लोग विरोध कर रहे थे, लेकिन अब बीजेपी भी लगभग 10 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है कार्ड का कलर बदलने के लिए। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों, साथ साथ तमिलनाडु में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के प्रसारण पर कथित रोक के मामले में पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। अपने हलफनामा में तमिलनाडु पुलिस के डीजीपी ने कहा कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर राज्य में कई मंदिरों में कार्यक्रम का लाइव प्रसारण हुआ था। पुलिस ने हलफनामे में तमिलनाडु भाजपा के दावे को गलत बताया है और कहा है कि सरकार को हिंदू विरोधी कहने की कोशिश की जा रही है, जो पूरी तरीके से गलत है। डीजीपी ने कहा कि लाइव प्रसारण के साथ ही राज्य में कई मंदिरों में पूजा अर्चना की गई थी और इस दौरान पुलिस या राज्य सरकार द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया। ये जो आरोप है कि तमिलनाडु के सीएम ने मौखिक तौर पर कार्यक्रम के प्रसारण पर रोक लगाई है, ये भी पूरी तरीके से गलत है। तमिलनाडु पुलिस ने बताया कि भाजपा के प्रदेश सचिव विनोद पी सेल्वम ने तमिलनाडु सरकार को हिंदू विरोधी दिखाने की कोशिश की है, जो बिल्कुल पूरी तरीके से गलत है। अगर आप भी इस बात का समर्थन करते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ कर्नाटक के भारतीय जनता पार्टी के नेता सीटी रवि ने भारत के झंडे का अपमान किया है। दोस्तों, उन्होंने भारत के झंडे को तालिबान का झंडा कहने की कोशिश की है। आपको बता दें कि देश के संविधान की धारा 51A सबसेक्शन ए को पूरी तरीके से अपमानित किया गया है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज और भारत के राष्ट्रीय प्रतीक का सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन बीजेपी के लोग पूरी तरीके से अंधभक्ति में इतने ज्यादा लिप्त हो चुके हैं कि भारत के झंडे को ही एक तरीके से तालिबानी झंडा बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ उड़ीसा में बीजेपी जो चाहती है बीजू जनता दल वही करती है। दोनों की पार्टनरशिप की सरकार है। बीजेडी यानी बीजू जनता दल ने मोदी सरकार की मिलीभगत से सबसे अधिक नुकसान उड़ीसा के आदिवासियों का किया है, दलितों और कमजोरों का किया है। नवीन पटनायक और दिल्ली में मोदी सरकार दोनों मिलकर आदिवासियों के जल जंगल और जमीन को लूट रहे हैं। उन्होंने उड़ीसा में किसान मजदूर दलित और आदिवासियों के साथ साथ गरीबों को तबाह करने का आरोप लगाया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 2005-06 से जब तक बीजेडी और बीजेपी की सरकार बनी तो वादा किया गया था कि हर ब्लॉक पर 35% इरिगेशन फैसिलिटी 2011-12 तक देंगे। 20 साल पहले वादा किया गया था, लेकिन उसको धरातल पर लागू नहीं किया गया है। बीजेडी सरकार का वादा राज्य में सभी 314 ब्लॉक में कोल्ड स्टोरेज सुविधा का था, लेकिन 20 साल के बाद भी यह वादा पूरा नहीं हो पाया है। कुल मिलाकर दोस्तों, बीजेपी और बीजेडी दोनों एक ही हैं, दोनों मिले हुए हैं। इसी कारण जनता को उड़ीसा में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ साथ अरविंद केजरीवाल ने भी इंडिया गठबंधन के नेताओं के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि नीतीश कुमार के जाने से इंडिया गठबंधन को उल्टा फायदा होगा। जो मीडिया में दावा किया जा रहा है पूरी तरीके से गलत है, इससे लोगों को फायदा होगा, खासकर इंडिया गठबंधन के लोगों को। साथ साथ दोस्तों, अगर लोकसभा चुनाव के बाद मोदी में सत्ता में आ गए तो तानाशाही होगी, कोई लोकतंत्र नहीं होगा, कोई चुनाव नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उड़ीसा में ईडी के समन के मामले पर और नीतीश कुमार के विपक्षी गठबंधन से अलग होने के घटनाक्रम के बीच बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस बार अगर देश में सरकार नहीं बदली, मोदी सरकार वापस आ गई, तो देश में वोट करना भी अब मुश्किल होगा, मतदान के सारे अधिकार खत्म करने की कोशिश की जाएगी। साथ साथ दोस्तों, अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार की जमकर पोल खोलते हुए अब गांव-गांव जाकर लोगों के मुद्दे उठाने शुरू कर दिए। अखिलेश यादव जब ग्रामीण इलाकों में पहुंचे तो उनको पता चला कि महिलाओं के तो वोट ही नहीं है, उनके वोट काट दिए गए हैं। यानी जो समाजवादी पार्टी को गांव वोट किया करता था उसमें से मैक्सिमम लोगों के वोटिंग लिस्ट में नाम ही नहीं है, जिसके बाद कई सारे सवाल खड़े हुए हैं। दोस्तों, अखिलेश यादव के साथ खड़े लोगों ने अपने हाथ में टेम्पलेट ले रखा है जिसमें लिखा हुआ है चुनाव आयोग में जिंदा हूं। यानी दोस्तों, लोगों के वोट काटे गए हैं और ये ज्यादातर वो वोट है जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, जैसा कि 2022 के चुनाव से पहले भी आरोप लगाया गया था। अखिलेश यादव ने उसका मुद्दा उठाते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में शिकायत की बात कही। अखिलेश यादव ने कहा कि जिंदा लोगों के वोटर लिस्ट में मार दिया गया है, सपा के वोटर नाम काटने का घृणित और अलोकतांत्रिक कृत्य चुनाव आयोग कर रहा है। ये दृश्य चुनाव आयोग के मुंह पर तमाचे जैसा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, क्योंकि समाजवादी पार्टी धरातल स्तर पर जबरदस्त तरीके से काम कर रही है और ये इंश्योर करने की कोशिश कर रही है कि समाजवादी पार्टी के वोटरों के पास वोट डालने का अधिकार हो। ऐसा ना हो कि समाजवादी पार्टी के वोटरों को चुन चुनकर वोटिंग लिस्ट से बाहर किया गया हो, और क्योंकि सपा के वोट कम हो गए हैं तो उनकी हार का एक बड़ा कारण बन गया हो, क्योंकि पहले भी गंभीर आरोप लगे हैं। दोस्तों, अब अखिलेश यादव ने सबूत के साथ आरोप लगाए हैं। साथ साथ पत्रकार आदेश रावल बोले, कहा हरियाणा में कांग्रेस पार्टी हुड्डा और एसआरके गुट में बटी हुई है, एसआरके अपनी यात्रा अलग निकाल रहा है। पहले कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और फिर राहुल गांधी ने इसका संज्ञान लिया है। असम में राहुल गांधी की प्रेस वार्ता से पहले केसी वेणुगोपाल, दीपक बावरिया और कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला और राहुल गांधी की बैठक हुई। इस बैठक के बाद दीपक बावरिया को राज्य में संतुलन साधने के लिए नियुक्त किया गया है। आपको बता दें दोस्तों कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा अपना अलग से भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तर्ज पर कई सारी रैलियां कर रहे हैं, जबकि एक और गुट है जिसमें रणदीप सिंह सुरजेवाला है, कुमारी शैलजा है और पार्टी के अन्य नेता है। ऐसा लग रहा है कि दो अलग अलग गुट है जो कांग्रेस पार्टी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। हरियाणा के अंदर सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल दोस्तों यही है कि अगर हरियाणा कांग्रेस एक नहीं होगी तो बीजेपी फिर से कुछ वोटों से ही मौका मार जाएगी, और इसीलिए हुड्डा गुट और एसआरके गुट दोनों को एक साथ आना चाहिए। अगर आप भी मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं को इस पूरे मामले पर ध्यान देना चाहिए तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ पंजाब के तरन
तारण के अंदर सिख अलगाववादी जनरल सिंह भिंडरावाला का पोस्टर हटाने को लेकर भीड़ ने लाठियों और तलवार लहराते हुए गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष की कार पर हमला कर दिया है। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी है। पुलिस ने बताया कि इस दौरान एक पुलिसकर्मी और गुरुद्वारा प्रबंधक कार्यबल के सदस्य घायल हो गए। कुछ दिन पहले भिंडरावाला का पोस्टर लगे तंबू को हटाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद तरन तारण के बहु विंड गाँव के अंदर यह घटना घटी है। पुलिस ने कहा कि 26 जनवरी को गुरुद्वारा प्रबंधक ने स्वयं सेवकों के एक समूह को जूते सफाई सेवा तंबू शिफ्ट करने के लिए कहा था, लेकिन इससे श्रद्धालुओं के आवाजाही में बाधा आ रही थी। पुलिस के अनुसार स्वयं सेवकों ने इस पर आपत्ति जताई और पूरा घटनाक्रम कैमरे में कैद हो गया है। वीडियो क्लिप देखने के बाद रविवार को कई सिख कट्टरपंथी गुरुद्वारा परिसर पहुंचे और प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। कुल मिलाकर दोस्तों यह मामला काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो चुका है। आप लोग अपनी राय जरूर बताएं। साथ साथ शपथ के बाद मफलर लेने राज्य भवन अगर पहुंच गए नीतीश कुमार तो राज्यपाल चौंक जाएंगे और बोलेंगे कि क्या 15 मिनट के अंदर ही आप पलट गए हैं। जयराम रमेश ने नीतीश कुमार पर तर्ज कसते हुए ये चुटकुला सुनाया है। दोस्तों कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोग नीतीश कुमार को टारगेट करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। साथ साथ जेडीयू के प्रमुख नीतीश कुमार को 9वीं बार मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद अब नीतीश कुमार के करीबी नेता प्रशांत किशोर ने एक बड़ी टिप्पणी की है। प्रशांत किशोर ने मीडिया से बात करते हुए तीखा हमला करते हुए कहा कि इंडिया ब्लॉक को धाराशाही करने के लिए बीजेपी ने कदम उठाया है। बीजेपी बिहार में अकेले लड़ती तो ज्यादा फायदा होता। नीतीश कुमार को निशाना बनाते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश जीवन के आखिरी पारी खेल रहे हैं, वो कब तक क्या करेंगे किसी को नहीं पता। जनता ने आखिर उनको नकार दिया है, इसलिए वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। अगर आप भी इस बात का समर्थन करते हैं दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। और अगर आप लोग और कुछ कहना चाहते हैं तो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अपने एक आदेश में अजित पवार गुट के विधायक की अयोग्यता पर फैसला लेने की डेडलाइन बढ़ा दी है। आदेश के मुताबिक महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर अब 15 फरवरी तक विधायकों की अयोग्यता पर फैसला ले सकेंगे। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के सबमिशन पर यह आदेश जारी किया है। दोस्तों स्पीकर ने फैसले के लिए मांगा है और समय आपको बता दें कि 15 फरवरी तक के लिए मामले को बढ़ा दिया गया है। पहले 31 जनवरी को फैसला लिया जाने वाला था, लेकिन समय सीमा बढ़ा दी गई है। अगर आप भी मानते हैं कि जल्द कार्रवाई की जानी चाहिए और तय करना चाहिए कि आखिर अजीत पवार गुट असली एनसीपी गुट है या फिर शरद पवार का गुट असली एनसीपी गुट है, आप लोग अपनी राय जो लिखकर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप सभी दोस्तों भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए जय हिंद जय भारत।